बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, पहला क्वेश्चन था मोहम्मद बिलाल का कि भाई नंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडमिशन स्टार्ट है, 10 जनवरी लास्ट डेट है, काइंडली एक वीडियो बना दें। इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाएंगे, पहले इसी को ही कवर करते हैं अगर 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है तो। करंट अफेयर्स के नेम से था कि ब्रो, वेबसाइट पर बैचलर वालों के लिए भी लिखा हुआ है, प्लीज़ रिप्लाई। किस स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं? बैचलर वालों के लिए काफ़ी सारी लिखी होती है, वो इसलिए लिखी हुई होती है क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रही होती है, लेकिन वो बैचलर वालों को अगर मेजर चाइनीज़ में है और इसमें आपके पास एचएस के है, उस वजह से लिखी हुई होती है कि बैचलर के लिए स्कॉलरशिप है। वैसे कोई नहीं है फुली फंडेड बैचलर के लिए, इंग्लिश स्टार्ट के लिए। निश्चा फराज अली का क्वेश्चन है कि भाई मैं इंटरमीडिएट का बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एक कैटेगरी में, तो क्या मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से बनवाना होगा? जहाँ से मुझे इंटरमीडिएट पास किया था वो कॉलेज के क्लर्क से बनवाऊँ या कैसे? बिल्कुल क्लर्क से बनवा लें, वहाँ से क्लर्क हो या कोई भी बंदा आपके क्लरिकल स्टाफ में से कोई भी बंदा जो है बना के दे सकता है, वहीं से ही बनवाएं जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की थी। ठीक हो गया। क्या आप हंगरी स्कॉलरशिप के पे एक वीडियो बना सकते हैं? चलें मैं कोशिश करूँगा, लेकिन है बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो मुश्किल है, असल में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदे को थोड़ी बहुत इतना, मैं तो ट्रस्ट नहीं लेता उसमें, इतना इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें। ये बाकी स्कॉलरशिप जो होती हैं इस, क्योंकि इसी में ही इतना बर्डन होता है कि समझ नहीं आती कि बंदा क्या किया जाए। सोचा था उस पर वीडियो बनाऊँ, हालाँकि नोटिफिकेशन भी आया था उसका, लेकिन फिर जो है मैंने कहा छोड़ो, देखते हैं अब क्या होता है। ज़्यादा इट्स 100% कन्फर्म दे मेल टू स्टूडेंट, हमें तो कोई मेल नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि मेल कर रहे हैं ये है वो है, भाई मेरी बात सुने। अब मैं आपको एक सीधी सी हिसाब सीधा बताता हूँ, एक आम आदमी समझ जाए। हमारे कॉन्टैक्ट सर्कल में तकरीबन कोई 300 स्टूडेंट हैं जिनको जिनकी स्कॉलरशिप लगी है, ठीक है, एजेंटी के नहीं है, एजेंट विजेंट नहीं है, जो हमने गाइड किया था। 300 में से 100-150 बंदा तो ऐसा होगा ना, ऐसा होगा क्या, ऐसा है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में है, ठीक है, उनमें से मुझे एक बंदे ने भी नहीं कहा कि मुझे मेल आई है, ठीक है। अब अगर उन 150 को नहीं आई, बाकी यूनिवर्सिटी वो आसमान से उतर के आई हैं, किन को वो करेंगे? ऐसा नहीं है डेयर, एक आध कोई यूनिवर्सिटी है जिसका मैंने नोटिफिकेशन अभी तक देखा है, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से रब्ता भी किया है, लेकिन कोई ताहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं आया, बस वो स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं मेल के, ये देखे मेल आ गई, ये देखे मेल आ गई, जब तक मुझे कोई नहीं मिलता। अब उन 150 बंदों में से मुझे कोई नहीं बता रहा कि मुझे को कहीं से रिस्पॉन्स आया है, कुछ ये वो सारी चीज़ें, पिछले साल वाले स्टूडेंट्स भी हैं, इस साल वाले भी हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि ये मेल आ रही है, ये है वो है। एक आध यूनिवर्सिटी है जिनका चल रहा है SJTU का मामला जो है, वो जो है ज़्यादा जिसे कहते हैं ज़ेरे गौर है या ज़ेरे बहस जिसे कह सकते हैं, तो बाकी तो मैंने किसी का नहीं देखा। अब इसका भी है, लेकिन मैं तो SJTU का काफ़ी सारी फाइंड कर रहा हूँ कि ये क्या सीन है, क्या चक्कर है, लेकिन ताहाल कोई कन्फर्म नहीं हो रहा। तो ये एवं कह देना कि 100% मेल, हाँ अगर तो आपको जो है मेल आई है, यहीं पे इसी कमेंट में मुझे अपनी मेल आईडी दें, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करता हूँ कि भाई हाँ भाई किसी यूनिवर्सिटी से मेल आई है, मुझे सबूत दें अगली वीडियो में, ताकि मैं आके वीडियो में कह सकूँ कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी से मेल आ गई है लड़कों को, ये मैंने खुद कंफर्म किया है, ताकि मैं अगली वीडियो में आके बता सकूँ कि मुझे क्या है आके बताने में कि मेल नहीं आ रही। हम आ रही है तो आ रही है, हम भी कहेंगे कि भाई आएंगे, हम सराहेंगे उस चीज़ को। ठीक हो गया। इसके बाद फराज अली का क्वेश्चन है, भाई मैं अच्छी सी के अकाउंट में 1000 चलान पे किया है और वो चलान चाइनीज स्कॉलरशिप फॉर्म में अपलोड किया है, तो क्या मैं अब हंगरी स्कॉलरशिप का वो फॉर्म अपलोड कर सकता हूँ? कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, दोनों के लिए एक ही चलान काफ़ी है, तो बस ये फिर होगा लक, अगर हो गया तो हो गया, एक ही काफ़ी है, मैं तो कहता हूँ कर दो। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, जब मैंने अप्लाई किया था एक HEC की एक कैटेगरी के लिए आई थिंक अप्लाई किया था मैंने, तो साथ ही एक और स्कॉलरशिप CRPC की स्कॉलरशिप आ गई, वो एवं मैं बैठा था, दोस्त एक ने कहा भैया आज आखिरी डेट है कर दो, मैंने कहा चलान जमा नहीं करवाया ये है वो, फिर मेरे माइंड में आया कि जो मैंने पिछला चलान जमा कराया था ना वही यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, वो मैंने अटैच कर दिया वहीं पर, उसका भी अटैच हो गया था, उसकी डेट निकल चुकी थी, और दूसरा जो है बल्कि आई थिंक उसकी डेट अभी पड़ी थी, ठीक है, और दूसरा चलान जो है उसकी भी दूसरी स्कॉलरशिप भी आ गई थी, मैंने उस पर भी कर दिया उसका, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया, खैर वो इंटरव्यू पता नहीं क्या हिसाब किताब बना था, नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो उसके लिए भी मेरा अकाउंट हो गया था। अब करना चाहे 1000 आप बचाना चाहते हैं तो बचा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, कोई वो कन्फर्म तो करेंगे नहीं कि हम आप उसने उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है। हाँ अगर बेहतर यही है, बेहतर तरीकाकार है कि कर ले दोनों के लिए, लेकिन मैंने तो मेरे पास तो टाइम थोड़ा था तो मैंने कर दिया, आगे आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हैं, दो कंडीशंस हैं आपके पास, अगर आप अपने माइंड में नहीं ओहो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा मैं दोनों करना चाहता हूँ, फिर तो आप दो करें, अगर आपके माइंड में बिल्कुल करेक्ट है कोई मसला नहीं है, देखी जाएगी मैं एक ही करता हूँ आप कौन दूसरा भरे, तो फिर आप ऐसा कर लें, दो कंडीशन ये आप पे, आपके जो कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं। मैं तो आखिरी दिन था, वैसे मुझे इतना ज़्यादा शौक था नहीं, तो मैंने कहा चलें जाने दें,
खदीजा चीमा क्वेश्चन है भाई, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब ओपन होंगे? इसके थोड़े लेट होते हैं सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के, तो इसके इंशाल्लाह हम अपडेट करेंगे जैसे ही होगा। इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, सीएससी की होती है, सीएससी भी होती है, डोंट वरी। हुज़ैफ़ा असलम प्रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप पर भी एक वीडियो बना दें इंशाल्लाह, उस पर भी बनाएंगे। ये साउथ साउथ वेजी तांग यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन हुए हुए हैं उस पर। अच्छा सर, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर क्यों नहीं ऑफर करती? ये साउथ वेस्ट जियाताओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये यूनिवर्सिटी सी इंजीनियरिंग के हिसाब से है, तो इस वजह से। खदीजा चीमा क्वेश्चन था असलम सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की, बिल्कुल इंशाल्लाह बनाएंगे। सेंट्रल साउथ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इतनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं? जैसे आएंगे एडमिशन इंशाल्लाह बनाएंगे। उमर फरूक ब्रो, बैचलर के लिए स्कॉलरशिप नहीं आई सीएससी की? निश्ता आपके लिए नहीं है अभी बैचलर के लिए, आप बैचलर पाकिस्तान से करो या नहीं, ठीक है। बाकी वैसे करना चाहते हैं, इलाका आजमाना चाहते हैं तो आजमा सकते हैं, कोई इतनी इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। फराज अली, जब हम सीएससी का फॉर्म फिल करते हैं तो जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो कुछ ऑप्शन ये में यस लिखा होता है और कुछ में नो लिखा होता है। जैसा नो लिखा होता है अपलोड करना लाजमी है, लेकिन वहाँ पे अपलोड करने ही बताएं क्या चक्कर है? और यहाँ पे यस लिखा होता है, इट मींस कि ये मैंडेटरी है, ठीक है, यहाँ पे लाजमी है। लेकिन इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट का आई थिंक नो लिखा होता है, लेकिन वो आपने करना लाजमी होता है इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट। बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ यस है वो अपलोड करें, नो को छोड़ते जाना है। जैसे पब्लिश पेपर जहाँ पर लिखा होता है कि पेपर अगर कोई पब्लिश किया हुआ है, ये वो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये नो का ऑप्शन था, मीन्स कि वो ऑप्शनल है। लेकिन इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें वो बेहतर है, वो होता नो है लेकिन उसको बेहतर कर दें। बाकी नो को छोड़ दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असलान उल हसन का क्वेश्चन है, आशियान में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेस इस वक्त 400 से ज़्यादा केसेज हैं और सब फ्लाइट भी कैंसिल हैं और यूनिवर्सिटी किसी को वापस नहीं बुला रही, बिल्कुल ऐसा ही आशियान कम्प्लीटली तौर पर सील है। वर्ल्ड कंसर्न कंप्लीट मिला है के स्टाइपेंड की बात हो रही है शायद। अच्छा खान अल्लाह के नेम से था यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों के क्या सीन है स्टाइपेंड का? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों का अपना सीन होता है, ये अलग होता है, इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फील्ड में स्कॉलरशिप चाहिए काइंडली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल आई थिंक अपडेट है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और मैंने वीडियो बनाई थी कैसे आपने मेजर फाइंड करना है अपना। मिनाल फातिमा का क्वेश्चन था, ख्वाचों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो 2021 में सिलेक्ट हुए थे उनका कोई चांस स्टाइपेंड मिलेगा? निश्चित फिलहाल नहीं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब। उसके बाद है जी हीरा अकबर खान का क्वेश्चन था, तोंग जी शिंगवा और जीजियांग शंघाई जियाओतांग यूनिवर्सिटी की फ़ी है, तोंगजी की फ़ी है, शिंगवा की फ़ी आई थिंक इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे अभी इसकी है या नहीं है। जीजियांग यूनिवर्सिटी की भी इसकी भी उन्होंने फॉर्म पे तो वैसे एडवर्टाइजमेंट पे मेंशन नहीं किया, लेकिन एडवर्टाइजमेंट वैसे जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद लड़के कह रहे हैं कि 600 आरएमवी फीस का कह रहे हैं, तो इसमें है, ठीक है, हो सकती है या ना भी, वो फॉर्म सबमिट करके देखें। बाकी शंघाई जियाओतांग की फीस बिल्कुल है, 800 आरएमबी है। शिंगवा का मुझे नहीं आइडिया कि फ़ी है या नहीं है, देखूंगा, मुझे भूला हुआ है, हमने पोस्ट भी बनाई थी आई थिंक। तो तोंगजी की फीस बिल्कुल है, बाकी क्यों है, बाकियों की है। हुज़ैफ़ा असलम एक एक्सेप्टेंस लेटर पर हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? निश्चित एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर जो होगा वो उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा जहाँ से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, ओके हो गया। हुज़ैफ़ा असलम भाई, मैंने बीकॉम 2 ईयर की डिग्री की है अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री है, डिग्री के ऊपर बैचलर्स लिखा हुआ है, 62% मार्क्स है, काइंडली ये बता दें कि सीएससी में मास्टर के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या सकता हूँ? हुज़ैफ़ा असलम, हुज़ैफ़ा तो नेम लड़कों का होता है वैसे, चले ठीक है जो भी है। अच्छा ये बीकॉम 2 साल की जो डिग्री होती है ना, इसके बाद आपकी एमकॉम है, ये तो आपकी 14 साल एजुकेशन होगी ना, 14 साल के एप्लीकेशन के साथ आप अप्लाई नहीं कर सकते चाइना में, आपको अप्लाई करना होगा 16 साल एजुकेशन की बेस पर, क्योंकि वहाँ पे 14 साल की एजुकेशन के बाद 2 साल एजुकेशन वहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है उनका। हमारे यहाँ जैसे बीएससी 2 साल की होती है, बीएससी एमएससी 2 साल की होती है और बीकॉम 2 साल की और एमकॉम, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, उनकी बैचलर है ही 4 साल की, वो बीएस प्रोग्राम ऐसा समझ लिया उनका बैचलर है बस, ये चक्कर नहीं है। इसलिए ये पाकिस्तान में कंडीशन है कि बीकॉम बीकॉम एमकॉम ठीक है, तो ये वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके बीकॉम के बाद एमकॉम है तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 60 मार्क्स डजंट मैटर, लेकिन आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, आपके पास एमकॉम होना चाहिए आपके हिसाब से, या एमए जो भी है 2 साल जो कोई चीज़ है, फिर भी ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद है जी कोई 10-15 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, मुझे बता दें, ये वो सेम आपको आई थिंक क्वेश्चन मिल गया होगा, पता चल जाता है 1 कमेंट 2 कमेंट, ठीक है, इतने कमेंट, ये आपको YouTube बैन ना कर दे इतने कमेंट सेम करने की वजह से, YouTube बैन कर देता है पॉलिसी, आप चेक कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक हो जाए तो फिर मैं नहीं ब्लॉक करूँगा या हम में से कोई ब्लॉक नहीं करेगा, ये YouTube करेगी अगर सेम ज़्यादा कमेंट आए तो। उमर फारूक भाई, बैचलर के लिए कोई कवर लेटर की ज़रूरत होगी बीएस के लिए अप्लाई करना है? नहीं निश्चित, कवर लेटर की जरूरत नहीं है, बीएस के लिए स्कॉलरशिप भी नहीं है फुली फंडेड इंग्लिश मेजर में, तो कैसे कवर लेटर, दूर की बात है। ऐसा नाइस जॉब ब्रो, बहुत मुश्किल है, आपका चैनल मिला, थैंक्स फॉर गाइडेंस, वॉच जजाकल्ला डेयर,
कीप इट अप। सेवन बोल्ट, कोई कहा नहीं, कहीं नहीं जा रहा, नहीं खुलेगा चाइना, आराम करो। आपको लगता है तो नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, हमें तो लगता है खुलेगा, लेकिन यह है कि जब उनकी मर्जी होगी वो खोलेंगे चाइना। हम होपफुल हैं कि खुलेगा, ये नहीं हम अब आप कहेंगे कि आपने पिछली वीडियो में कहा था कि कोई कंटेक्ट नहीं कर रहे हैं इस तरह वो ये वो, तो अब आप कह रहे हैं ओपन होगा। भाई उम्मीद है ओपन होगा, हम कहानी नहीं घड़ेंगे कि भाई अब ओपन हो रहा है, हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, इस तरह की कहानी नहीं घड़ेंगे। जब ओपन होगा तो होगा, और हम होपफुल हैं कि बहुत जल्द ओपन होगा जब हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया, अभी साथ दे रही है, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। फातमाज लॉन्ग के क्वेश्चन, शैल वी कंसीडर माइग्रेशन इफ स्टिल नो होप इवन नेक्स्ट सेमेस्टर। किस चीज़ की माइग्रेशन की बात कर रही हैं आप, बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट में बताया जाए। अच्छा उमर फारूक ब्रो, जब जो अब इनरोल होंगे 2020 में उनको मिलेगा निष्ठा स्टाइपेंड? नहीं मिलेगा भाई, अभी नहीं मिलेगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे डिग्री उनको मिलेगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हो के आ चुके हैं उनको मिलेगा, बाकी हम नहीं। अल मदीना ऑफिशियल, ग्रेट वर्क ब्रदर, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं ब्रदर। मुझे जिन यूनिवर्सिटीज़ में से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, मेरा सब्जेक्ट फूड साइंस है, मुझे काइंडली ये बता दें कि मास्टर डिग्री इंग्लिश में है में ही है, काइंडली आप देख दें। फूड साइंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, आप चेक करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेजर आप कैसे चेक कर सकते हैं, आपको उसी तरह चेक करना होगा। बाकी मैं कैसे कह सकता हूँ कि इसमें हो रही है इसमें हो रही है, हो रही है फूड साइंस, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, हो रही है। अली अफसर का क्वेश्चन, जब अब एडमिशन होंगे 2022, उनको ऑनलाइन होगा या फिजिकल? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन। आमिर खान, अब अगर ओपन हो गए बॉर्डर फिर तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन। ब्रो ये स्टाइपेंड सिर्फ सी एस सी स्कॉलरशिप होल्डर को मिल रहा है या दूसरी टाइप की स्कॉलरशिप को मिल रहा है, दूसरे को भी मिल रहा है? ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, तो वो या तो आपको अभी देंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले, या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। अभी कल एक दोस्त आया, वो तो एनपीयू में होता है, नॉर्थ नॉर्थ मीन्स के एनपीयू से पढ़ रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा अभी नहीं मिला हमें इकट्ठा, वो कह रहे हैं कि आपकी नेक्स्ट अभी जो आने वाला जुलाई है उनमें इंशाल्लाह उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो तब आपको देंगे, वो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, तो उनको मिल रहा है एनपीयू के उनको। तो इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है वेरी करती है। लेंजर 1110 के नेम से था कोई, नेक्स्ट इंटेक में 20% चांस है, ठीक है, आपको 20 लगते हैं, हमें तो 50-50 70-100% लगते हैं। टेक्निक हर बंदे की अपनी सोच होती है, लेकिन यह है कि जो चीज़ सही है वही बताई जाए, फैक्ट्स सही सही बताए जाए, बजाय इसके कि हमने क्वारंटाइन की फीस कम कर दी, इस तरह नहीं होना चाहिए। इन्फोटेनमेंट चैनल के यही चीज़ मुझे डिपार्टमेंट डीमोटिवेट क्या, जब आप जो आपकी है मेरे पास 11 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, ज़रा आप ज़रा भी कि नहीं कर रहा अप्लाई करूँ, भाई अप्लाई करें, ये दुनिया है ये चलती रहती है, ठीक है। कल खुल जाए चाइना, साल बाद खुले, लेकिन जो भी होता है बेहतरी के लिए। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल के, ये जो लड़के कह रहे होते हैं इसमें अप्लाई नहीं करना, मेरा दिल टूट गया है, ये है वो है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, शायद आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो, या शायद आप उसको देख के आप मोटिवेट हों। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही भी नहीं होता, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ओ शेट यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, बस होना चाहिए ओपन बॉर्डर, कब क्यों नहीं हो रहा, ये वो चल रहा है यार, निज़ाम है चलता रहता है, इसको आप नहीं रोक सकते, आपके बस में ये चीज़ें नहीं है और ना ही मेरे बस में और ना किसी के बस में, ये कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत में अब इसी निज़ाम में अब हम आ गए, तो हमें कुदरत के फैसलों पे जो है हमें उनको जो है एक्सेप्ट करना होगा। मोहम्मद उमैर अशरफ, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, उम्मीद है आप ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। अच्छा अब न्यू एडमिशन कैन स्टूडेंट अलाउ कर रहे हैं, एडमिशन्स अलाउ हैं, एडमिशन्स ओपन है, स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। आप वो अप्लाई है, एडमिशन ओपन है, करें अप्लाई। सुधीर पांडे के, चाइना में मैक्सिमम स्टूडेंट अफ्रीकन कंट्रीज़ पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका से हैं, और कंट्री को चाइना ज़ीरो ही नहीं समझता, और ये अब कंट्री उनको सब कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अहमद रहमान, बिहांग यूनिवर्सिटी का कहा था इंग्लिश में कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। बिहांग यूनिवर्सिटी का अब भाई सी एस सी की पॉलिसी होगी तो सबके लिए होगी, ये लाइट्स मुझे भूल गया था ऊपर ऑन करना, तो अभी ऑन हुई है, अब पता चला है, ठीक है। बिहांग यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, अगर उन्होंने सी एस सी की पॉलिसी होगी यूनिवर्सिटी का बाप भी देगा, अगर सी एस सी की पॉलिसी नहीं है तो फिर कोई भी नहीं कुछ कर सकता, ओके। और टोंगजी यूनिवर्सिटी ने भी कह दिया था कि भाई स्टाइपेंड निश्चा, उनको भी देना पड़ेगा भैया सी एस सी की पॉलिसी अगर आ गई तो। मोहम्मद असरार, मेरा एडमिशन 2020 में हुआ, और अगर मैं ऑनलाइन ग्रेजुएट हो जाऊँ तो रिसर्च के भी यही करूँ तो स्टाइपेंड मिलेगा? बिल्कुल, अगर ऑनलाइन ग्रेजुएट होंगे तो मिलेगा, मीन्स कि अभी जो उनकी पॉलिसी आई है ना उनमें उन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन जो करेंगे 2021 और 20 के लिए उनको स्टाइपेंड उस वक्त जब वो कंप्लीट करेंगे उस वक्त क्या पॉलिसी बनती है उस वक्त डिसाइड होगा, और अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं डेफिनेटली उनको स्टाइपेंड देना पड़ेगा, नहीं तो भी चाइना चाइना है भाई, उनके पास फंड की कौन सी कमी है, दे देंगे। रेहान शाह का कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम कौन सा है? ये तो उनकी DGTU है। अच्छा हुज़ैफ़ा असलम, उप्स, बिल्कुल
अच्छा अनीस कुरैशी, जिनकी स्कॉलरशिप लग गई है वो कब जाएंगे? कोई आइडिया नहीं है, जब ओपन बॉर्डर होंगे उस वक्त। सलमान खान, आई एम आल्सो अप्लाइंग फॉर अनदर यूनिवर्सिटी टू चाइना, फॉर दैट वुड आई क्रिएट अनदर सी एस अकाउंट। एक ही काफ़ी है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रदर अब्दुल मतीन का ब्रदर अक्षयान जो था यूनिवर्सिटी की के फॉर्म में से कहाँ से मिलेगा और मुझे किसकी लास्ट नहीं मिल रही? शियांग जो था, मैंने वीडियो बनाई थी शियांग जो, आप गूगल करें या सी एस सी में लिखें XJTU सी एस सी स्कॉलरशिप, सी एस सी गाइड ऑफिशियल, आपको मिल जाएगी। आबिद सुल्तान 1735, इस्लामिक वालेकुम सलाम भाई, मुझे एक ग्रुप मेंबर्स ने बताया कि कोविड की वजह से मोस्टली यूनिवर्सिटीज फॉरन स्टूडेंट्स को एडमिशन ही नहीं कर रही। एक आध है, ज़्यादा नहीं है भाई, सी एस सी की पॉलिसी है, जिसको है आप छोड़ें इनको। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक? नो, फिलहाल नहीं है। उस्मान, सेवन सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप करें। मुझे ननकाई यूनिवर्सिटी से AJ सिद्धू, मुझे ननकाई यूनिवर्सिटी से जिस यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर कर दिया है वो मुझे, उसने बताया कि वहाँ सारे मेजर चाइनीज़ में हैं, तब उन्होंने कहा कि अप्लाई करने के लिए कोई चाइनीज़ लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, एंड थीसिस भी इंग्लिश में होगा, एंड लैंग्वेज का भी इतना इशू नहीं है, आप इधर से क्या चाइनीज़ सीख लेना सेपरेटली। ननकाई यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस ने भी यही कहा है कि चाइनीज़ के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा, बट सी एस सी नहीं ऑफर करती। तो अगर आप उसके लिए कैसे अप्लाई करना हो सेपरेटली, उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, अगर करना होगा अलग से, वो उनसे कर दीजिए, प्रोफेसर से पूछ लीजिए कैसे अप्लाई करना है तो करें, कोई मसला नहीं। अगर यूनिवर्सिटी कह रही है तो ठीक है, फिर कुछ नहीं कह सकते। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सी एस सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दोनों में एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस लेटर भी है मेरे पास। सेंट्रल साउथ कैसे होता है, अगर आप सी एस सी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आप सी एस सी के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं, उसके अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं कि सी एस सी के लिए आप तीन यूनिवर्सिटी अलग में अप्लाई करेंगे, सेंट्रल साउथ में जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, तो तब भी हो सकता है, आप कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है गैन चांद के नेम से था, डू आई हैव टू पे एप्लीकेशन फी सी एस सी एज वेल? नो, नहीं, ए कैटेगरी के लिए सी एस सी की कोई फीस नहीं है, उसी के लिए है, एच ई सी की जो अपनी रखी हुई है वो है बस। कैन ए डायरेक्ट अप्लाई टू सी एस सी आर एच सी ओनली स्पेंडिंग सोर्स ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? आप भी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं भैया। अलमदीना ऑफिशियल थैंक्स टू रिस्पेक्ट ब्रदर फॉर गाइड ग्रेटफुल वर्क। ब्रदर, मैं जिले यूनिवर्सिटी चाइना से एक प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, काइंडली आप ये चेक करके बता देंगे इंग्लिश में है ना फूड साइंस डिपार्टमेंट। चले, नेक्स्ट वीडियो में ये जो आ रही है इसमें बताइएगा कि आपने मेरा चेक किया मेजर या नहीं, तो फिर आप मैं चेक करके बताऊंगा जिले यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मोहम्मद खिजर, ब्रदर मैंने एक साल एफ एस सी क्लियर की है और बैचलर में इस साल एफ एस सी क्लियर किया है, बैचलर इन क्लिनिकल मेडिसिन में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है इंटर की लेकिन ट्रांसक्रिप्ट है, क्या मैं सर्टिफिकेट की हाईएस्ट एजुकेशन भी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकता हूँ, बोर्ड से अर्जेंट मंगवाऊँ? कर दें अगर करना है तो, लेकिन बैचलर वालों की कोई स्कॉलरशिप नहीं है, फुली फंडेड, ठीक है, आगे आपकी मर्जी। सलाम ब्रदर, क्या हम एच ई सी ए कैटेगरी का फॉर्म 3 जनवरी से पहले सबमिट कर दें और सी एस सी का फॉर्म 3 जनवरी के बाद करें? कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। मोहम्मद आज का क्वेश्चन था, ये तो कोई पुरानी वीडियो तो पे उस पर कमेंट किया हुआ उन्होंने, आर यू ट्विंस? यह ऑफ कोर्स। खाना पीना गपशप, यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग कंसेप्ट कंसेंट फ्रॉम पीआईडी इंटरनेशनल स्टूडेंट बैच 2017 एंड 2018, हो सकता है कर रही हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना। मैंने आई थिंक इसमें रिप्लाई भी किया था कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस तरह की कि एस जे टी यू कंसेंट कर रही है, स्टूडेंट से कंटेक्ट कर रही है, तो मुझे रिप्लाई करें और वो मुझे सबूत दें कि भाई वाकई जो है कर रही है, ताकि मैं अगली वीडियो में आके ये बता सकूँ कि भाई ये यूनिवर्सिटी जो है रब्ता कर रही है वाकई, आप मुझे रिप्लाई दें, क्योंकि मैं ऐसे या हम ऐसे किसी की बात पर नहीं अमल कर सकते भाई वो यूनिवर्सिटी बुला रही है ये, या जिनको मैं खुद नहीं जानता हूँ दोस्तों की, ऐसे दोस्तों को जिनकी बात पर मैं यकीन कर लूँ कि बाकी ये वाकई ये सही कहते हैं, तो फिर तो है, आपको मैंने मेंशन किया है, कमेंट किया है, आप जो है मुझे रिप्लाई कीजिए। अच्छा, इसके बाद है जी, एच ई सी और सी एस सी का फॉर्म प्रिंट करने करके अपने पास रखना है या एच ई सी सेंटर को, वो भी टी सी एस करना है, अपने पास रखना है, फिलहाल सेंड नहीं करना। इसके बाद है जी, रिजवान करीम, इंग्लिश आर्ट कोर्सेज में भी चाइना एक साल चाइनीज़ पढ़ाई जाती है? नहीं, वो एक कोर्स होता है, एक सब्जेक्ट होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। ओके, मोहम्मद बिलाल भाई, मैं नंजिंग यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी में की बात कर रहा था, उस पर भी आर्ट्स में टॉफिल नहीं, नंजिंग यूनिवर्सिटी साइंस टेक्नोलॉजी में आर्ट्स मस्त नहीं है, डोंट वरी, आप अप्लाई करें। अच्छा, इसके बाद वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जिक्र है, और काइंडली दोस्त ने शियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की स्कॉलरशिप के बारे में भी पूछ के बता दीजिएगा, मेरे पास एक्सेप्टेंस है उसका, मैं पूछ के बता दूंगा एक्सेप्टेंस का, सॉरी शियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, फिर क्या बनता है। ओके, हो गया। इसके बाद है जी, सुपरवाइजर रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च प्रपोजल बनाना है, होता है क्या? नहीं, हाँ, उसमें रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर की डाल दीजिएगा तो अच्छा है। ओके, और ना बनाए तो कोई इतना इशू नहीं है, और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर रिसर्च प्रपोजल लिखा हुआ है और सी एस सी पोर्टल पर स्टडी प्लान, दोनों डिफरेंट है। वही जो सी एस सी पर स्टडी प्लान लिखा हुआ है वहाँ पर आप रिसर्च प्रपोजल वही अपलोड कर दें, कोई मसला नहीं है। ओके, हो गया। तो इसके बाद रिसर्च, ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रिसर्च प्रपोजल अपलोड करें, सी एस सी के पोर्टल पे वही जो है आप स्टडी प्लान की हेडिंग दे दें, या रिसर्च प्रपोजल ही की जगह स्टडी प्लान लिख दें, कोई इशू नहीं है, और वो फाइल वैसे की वैसे ही वहीं पे अपलोड कर दें। ओके, इजाज अहमद, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फी है या नहीं है? साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी, साउथ वेस्ट कौन सी? अच्छा, साउथ वो बाद में पे करनी आई थी 400 RMB, जब आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा सारा कुछ।
मैंने समझा नॉर्थ वेस्ट है। मोहम्मद उस्मान ब्रदर अगर वो बुलाएं बुलाएं हम इंशाल्लाह तो वो हमें प्रीवियस स्कॉलरशिप मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। फराज अली अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मेरा मैट्रिक बी ग्रेड 63% इंटर में 55 है, तो क्या HEC के थ्रू अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप मिल जाएगी? टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपके टेस्ट अच्छा दे देते हैं 60-70 नंबर प्लस दे देते हैं तो फिर आपको हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है अगर आप कर दें तो, वरना आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी है नीचे, लेकिन यह है कि आप टेस्ट अच्छा दे दें, क्या पता किसी और का टेस्ट इतना पास ना हो, इतने ज़्यादा नंबर ना हो जितने आपके आ जाए, तो कर सकते हैं। रफीक सुमरो भाई इंग्लिश प्रोफेशनशिप जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, इंटरमीडिएट के लिए जरूरी है भैया। अब्दुल समद शेख अस्सलाम वालेकुम, भाई वालेकुम सलाम, एक्सेप्टेंस लेटर CSE फॉर्म में कहाँ पर अटैच करना है? अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पर ऑप्शन होता है अदर सपोर्टिंग, वहाँ पर आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी है एडिशनल, वो आप जितने भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में है, पहले पहले एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद नीचे कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एक ही फाइल बना ले PDF में, उसी को वहीं पर अपलोड कर दे, लेकिन पहले पहले ऊपर ऊपर एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ओके फराज अली वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम ब्रो, HEC और CSE का फॉर्म एक साथ फिल करने के, जब HEC को टेस्ट देकर पास होकर आएंगे तो इसके बाद CSE का फॉर्म फिल करेंगे, और HEC फॉर्म फिल करेंगे तो एक वीक हो गया है लेकिन टेस्ट स्लिप नहीं आई, स्लिप जब स्कॉलरशिप के लिए लास्ट, अभी आई थिंक उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया HEC की ए कैटेगरी की, पहले 3 जनवरी थी, अब उन्होंने कर दिया 17 जनवरी, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा अभी। तो बाकी ये फॉर्म वगैरह तो बाद की बातें हैं, वो बाद में देखना होगा, अभी आपके फॉर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब अभी सिलेक्शन हो जाएगी फिर आपको यूएसटी कहेगी कि हाँ भैया फॉर्म सबमिट सेंड करो, ये वो बाद का बाद में देखे जाएगी, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर्म की। जियांग यूनिवर्सिटी की फीस है आई थिंक इसका मैंने उनकी एडवर्टाइजमेंट पे नहीं दिखा गया कि फी है उनका जो है, फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई फी मांगते हैं तो पता नहीं, एक स्टूडेंट कह रहा था कि फीस आती है, लेकिन मैंने अब सबमिट तो मैं नहीं कर सकता उसके बाद का क्या हिसाब किताब होता है, लेकिन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर कोई फी का जिक्र नहीं किया जियांग यूनिवर्सिटी ने। ओके उसके बाद सादिया जबीन के क्वेश्चन, प्लीज गाइड मी अबाउट मेथड बाई विच आई अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप, वन मेथड इज बाई HEC एंड विच आई डोंट वॉन्ट टू डू नेक्स्ट, वट इज डू? आप बी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करें, जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में एक मौजूद है कि हाउ टू अप्लाई फॉर CSE स्कॉलरशिप 2022 एंड 2023, ठीक है, 10 स्टेप 7 स्टेप हैं आई थिंक, उनको फॉलो करें, वैसे अप्लाई करें। अगर आप HEC के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते तो बी कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करें, यही एक चांस है और कोई नहीं है। मोहम्मद जुनेद अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ग्रीन कोड क्या चीज़ है? आई थिंक आई डोंट नो अलीजा यार, काइंडली शाहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्टल पे लिंक ढूंढने, चले मैं ढूंढूंगा, शाहान यूनिवर्सिटी को दोस्त से पूछूंगा। राबीज है ना कहने, थैंक्स लॉट, यू हैव सॉल्वड बिग प्रॉब्लम फॉर माइन। ओके उमद कमरान, अच्छा ब्रो रो हर रोज ट्विट, अच्छा ठीक है, ओके ओके। इसके बाद है जी और कौन कौन से हैं जी, ये पॉइंट्स जुल्फकार सिगरी पॉइंट्स हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान में कन्फर्म हो तो, अगर कोई स्टूडेंट्स है पाकिस्तान से तो कन्फर्म करें 3 रिव्यू एंड एडमिशन, शियान यूनिवर्सिटी अडॉप्ट द एप्लीकेशन, आई थिंक ये हो गया था क्वेश्चन। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, अगर कोई क्वेश्चन है मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपके पास कोई आपका दोस्त कोई ऐसा बंदा जिसके पास कोई यूनिवर्सिटी ने मेल के लिए कॉन्टैक्ट किया हो शियान जोतांग के लिए या इस तरह कुछ, तो वो मुझे मेल करे, ठीक है, वो मेल या कमेंट करे कि भाई हाँ मुझे रिस्पांस आया है, मेरे दोस्त को रिस्पांस आया है, ये देखें प्रूफ, वो मुझे सेंड करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर बताऊँ कि भाई ये यूनिवर्सिटी बुला रही है और ये उन्होंने कहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो वैसे चलते रहते हैं, वो मैंने नॉर्मली देखा तो लिखता हूँ, लेकिन इस पर मुझे यकीन नहीं है स्क्रीनशॉट। ओके स्क्रीनशॉट में यहाँ तो काफ़ी सारे चल रहे होते हैं, ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं, बस ना ही पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो बताऊँ, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।